इसराइल जंग में अमेरिका की सीधी एंट्री हो सकती है और अमेरिका ने अपने युद्धपोत लाल सागर से भूमध्य सागर की तरफ रवाना कर दिए। अमेरिका के इस कदम से मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा बढ़ गया है। हालांकि अमेरिका ने यह कह दिया है कि उसने अपने युद्धपोत की तैनाती अपने नागरिकों के इसराइल और खाड़ी देशों में मदद के लिए की है, लेकिन इसे लेकर ईरान के तेवर सख्त दिख रहे हैं, क्योंकि ईरान पहले से धमकी दे रहा है कि अमेरिका अगर इसराइल और हमास जंग में सीधे कूदा तो युद्ध के कई और मोर्चे भी खुल जाएंगे। सबसे बड़ी तबाही का काउंटडाउन, तीसरा विश्व युद्ध नहीं रोकने वाला है, जंग में अमेरिका की होगी सीधी एंट्री। इसराइल ने गाजा में हमलों की रफ्तार बढ़ा दी है और हमास के खिलाफ अपनी जंग को अगले लेवल पर ले आया है। इसराइल के हमलों से गाजा में कोहराम मचा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि अब गाजा का नामो निशान मिट जाएगा। इसराइल और लेबनन बॉर्डर पर हिजबुल्ला और इसराइल की सेना के बीच सबसे बड़ी जंग शुरू हो गई है। इसराइल ने लेबनन में हिजबुल्ला के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अटैक किया इसराइल ने, आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, धुएं का गुब्बार आपको नजर आएगा। हम उस मौके पर बिल्कुल नहीं, लेकिन दूरी से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार इसराइल जो दक्षिणी लेबनान के सरहदी इलाके हैं उन पर हमला कर रहा है, अब तक का सबसे बड़ा हमला हम कह सकते हैं। देखिए, पिछले कई दिनों से हम इस इलाकों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमको इतना बड़ा हमला अभी तक नहीं दिखा है। लेबनन के आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने भी इसराइल के शहरों पर कई रॉकेट दाग दिए, तो दूसरी तरफ लेबनन से 400 किलोमीटर दूर सीरिया में युद्ध का नया मोर्चा शुरू हो गया है। इसराइल ने सीरिया में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसका वीडियो आईडीएफ ने जारी किया। उधर अमेरिका और इसराइल को ईरान की धमकी के बाद सऊदी ने अमेरिका और इसराइल को चेतावनी दे दी है, गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन से दूर रहने को कहा है। इसे लेकर सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका के प्रतिनिधियों से बात भी की है। हमास और इसराइल जंग में अब कई मोर्चे तैयार हो गए हैं, लेकिन सब अमेरिका के रुख का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल जंग में अभी तक अमेरिका सीधे तौर पर नहीं उतरा है। लेकिन दो घटनाओं से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की जल्दी ही इस जंग में सीधी एंट्री हो सकती है। I say frankly to the American statesmen who are now managing the genocide in Palestine that we do not welcome to expansion of the war in the region. But I warn, if the genocide in Gaza continues, they will not be spared from this fire. अमेरिका ने सीरिया में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े दो ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि ये हमले अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ हाल ही में हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए। हमास और इसराइल जंग के बीच कुछ दिनों पहले सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर हमला हुआ था, जिससे अमेरिका गुस्से में आ गया। अमेरिका ही नहीं, इसराइल ने भी सीरिया में कई ठिकानों पर अटैक किया। बताया गया कि हमास के समर्थन में सीरिया ने इसराइल के कई शहरों पर हमला किया, जिसके जवाब में ये कार्रवाई की गई। हमास और इसराइल जंग में ईरान की भूमिका की वजह से अमेरिका के तेवर बेहद कड़े हैं। बाइडेन पहले ही ईरान को इसराइल जंग से दूर रहने को कह चुके हैं, लेकिन हिजबुल्ला शुरू से ही हमास और इसराइल जंग में कूदा पड़ा है। हिजबुल्ला को ईरान का समर्थन है और यही बात अमेरिका को गुस्सा दिला रहा है। अब सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हुए हमले ने बाइडेन को बहुत गुस्सा दिला दिया। The United States does not seek conflict with Iran. We do not want this war to widen. But if Iran or its proxies attack U.S. personnel anywhere, make no mistake, we will defend our people, we will defend our security swiftly and decisively.
अमेरिका इसराइल जंग से कुछ कदमों की दूरी पर है, क्योंकि अमेरिका ने अपने लाल सागर में मौजूद युद्धपोत को भूमध्य सागर की तरफ रवाना कर दिया है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी जंग भूमध्य सागर के पास ही लड़ी जा रही है। लेकिन अमेरिका के इस कदम से मिडिल ईस्ट में युद्ध का संकट और गहरा होता जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज नहीं तो कल इसराइल वॉर में अमेरिका की सीधी एंट्री हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध को कोई नहीं रोक सकेगा। अमेरिका अपने दो सबसे भरोसेमंद एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम के जरिए पश्चिम एशिया में अपने एयर बेसिस को मजबूती दे रहा है, और इसमें शामिल है MIM-104 पेट्रियट सिस्टम, जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। तो मैप के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से MIM-10 पेट्रियट सिस्टम अब यहां पर लगा दिया गया है, और इसकी एयर डिफेंस की रेंज 120 किलोमीटर है, यानी कि इस 120 किलोमीटर के अंदर आसमान के रास्ते हमला करने वाली हर एक चीज को पेट्रियट मार कर गिरा सकता है। इसके अलावा आपको बताएं, बैलिस्टिक टारगेट नष्ट करने की रेंज 60 किलोमीटर है, यानी कि 60 किलोमीटर की रेंज में अगर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो गया तो उसे ट्रैक करके नष्ट करने की ये क्षमता रखता है। और इसके अलावा टारगेट की पहचान की रेंज 180 किलोमीटर है, यानी कि 180 किलोमीटर की रेंज में यह हमला करने वाली हर एक चीज को पहचान कर सकता है। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि अमेरिका सबसे मजबूत एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार की क्या खूबी है। दरअसल थर्मल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी कि थार भी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और इसकी एयर डिफेंस की रेंज की अगर बात की जाए तो ये 200 किलोमीटर की है, यानी 200 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एक हवाई खतरे को हवा में ही नष्ट कर सकता है। और वहीं बैलिस्टिक टारगेट नष्ट करने की रेंज 150 किलोमीटर है, यानी कि 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ये तबाह कर सकता है। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसकी टारगेट की पहचान की रेंज जो कि 1000 किलोमीटर है, यानी कि 1000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की ओर से हमला करने वाला हर एक हथियार डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि उसकी पहचान ये आसानी से कर सकता है। तो ये तमाम खूबियां हमने आपको यहाँ पर बताई, लेकिन इसी के साथ साथ अमेरिका भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है पूरे पश्चिम एशिया को बचाने की।